अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारे खाने में तली हुई चीज़ों का और करारी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है। ज़्यादा मसालेजात इस्तेमाल करने की वजह से बहुत से लोग हर घर में तकरीबन 70% लोग बवासीर का शिकार हैं। ये ऐसी बीमारी है जिससे निजात पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपने खानों में इस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं छोड़ सकते, जिसकी वजह से ये बीमारी हमसे दूर नहीं हो सकती। आज मैं आपको बहुत ही आसान और अपना घरेलू आजमाया हुआ और बहुत से लोगों का आजमाया हुआ नुस्खा बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। एक पाव देसी घी ले लें, उसमें 30 या 40 नीम के पत्ते लें, उनको हल्की आंच पर रख दें। घी को हल्की आंच पर रखेंगे तो उसमें नीम के पत्ते साफ करके डाल दें। जब पत्ते बिल्कुल जल कर राख बन जाएं तो पत्तों को घी से निकाल दें और घी को महफूज करके रख लें। रोज़ाना एक चम्मच, चाहे आप सालन में खा सकते हैं तो सालन में खा लें, अगर आप रोटी के ऊपर लगा कर खा सकते हैं तो रोटी के ऊपर लगा कर खा लें। अगर इस तरह भी आप नहीं खा सकते तो वैसे किसी दूध में या चाय वगैरह में डालकर पी लें, तो इंशाल्लाह आपकी बवासीर 2 महीने मुसलसल इस्तेमाल करने से मुकम्मल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।